हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम एक ग्लो रिमूवर की जो है ना अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये जो हमारे पास है OCA ग्लो रिमूवर टूल है, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत बेहतरीन है। इससे पहले मेरे पास था एक इलेक्ट्रिक ग्लो रिमूवर, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि वो इतना चलता नहीं था। अभी मैंने लिया है ये चार्जेबल ग्लो रिमूवर, OCA ग्लो रिमूवर जो है ये मैंने अभी लिया हुआ है, और अभी हम इसको आप लोग के सामने रखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो आप लोग देख सकते हो इसका जो मॉडल है वो है R10 Pro, मकैनिक का है, मकैनिक कंपनी का है। ये 100 घंटे तकरीबन चल सकता है एक मरतबा चार्ज करने के बाद, नो हीट और नो क्रश। आप लोग देख सकते हो इसमें टार्च भी है अपना एक, अगर आप काम करते वक्त उस टार्च को ऑन करना चाहते हो तो इसको ऑन कर सकते हो। इसकी जो इनपुट रिक्वायरमेंट है बिजली की वो DC 5 वोल्ट है। आप लोग देख सकते हो DC 5 वोल्ट इसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो जल्दी से मैं टाइम ज़ाया नहीं करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ ताकि हम इसको देख लें कि ये है क्या चीज़ असल में। ओके, तो फ्रेंड ये है OCA रिमूवर, जिसका लुक काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा है। और ये जो साथ में है इसके कुछ टूल है, इसको लोग डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोग को ये टूल दिखा देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हो इसमें जो वाइट कलर का है, अगर आपके पास कोई LCD है और उस पर स्क्रैचेस आ जाए तो उस स्क्रैचेस को ख़त्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लोग देख सकते हो इसके साथ एक छोटा सा कटर ब्लेड भी दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप लोग अगर कुछ कटिंग करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ये जो बड़ा ब्लेड है, स्पेशली हम इसको यूज़ करते हैं OCA को रिमूव करने के लिए स्क्रीन से, सो बहुत बेस्ट है। आप लोग इसको बारी बारी करके एक एक लगा के चेक कर सकते हो। बहुत सारे है पंपिंग के लिए वगैरह वगैरह, बहुत सारे टूल्स है इसके साथ, आप लोग इसको जो है ना यूज़ कर सकते हो। ये इसके साथ एक की है, जिसकी मदद से आप जो है ना किसी भी निप को बदल सकते हो। इसके साथ जो बिट्स होते हैं उसको आप लोग जो है ना चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी इसको लगा देता हूँ और आप लोगों को चेक कराऊँगा कि इसको हम कैसे लगाएँगे इस डिवाइस में और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये की है मेरे पास और ये हो गया वो बिट। इस बिट को स्पेशली आप लोगों ने यहाँ पर लगाना है और इस की मदद से इस स्क्रू को थोड़ा सा टाइट करना है। तो ये स्क्रू जैसे ही टाइट हो जाए तो ये यहाँ इसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये इसका ऑन अप स्विच है, जिसकी मदद से आप इसको ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। थोड़ी देर इसको प्रेस रखें, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस प्लस ऑप्शन से ये राइट साइड पे घूमता है और ये इस माइनस ऑप्शन से ये लेफ्ट साइड पे घूमता है, तो ऑटोमेटिक है, दोनों साइड पे ये घूमता रहता है। अगर आप इसकी स्पीड थोड़ी सी बदलाना चाहते हैं तो इस बटन को एक मरतबा प्रेस कीजिए, ये जो लाइट है इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर आप दूसरी मरतबा प्रेस करोगे तो ये रेड हो जाएगा और फुल स्पीड में हो जाएगा। तो ये है इसके फ़ायदे, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें एक लाइट भी है, LED लाइट, अगर आप काम करते वक्त आपको लाइट की ज़रूरत हो तो इसको डबल प्रेस कीजिए इस पावर बटन को, तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आई होप दोस्तों आप लोगों को भी ये पसंद आ गया होगा। अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो इसको आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, वरना ये पार्ट्स वालों के साथ नॉर्मली मिलता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।